consumer behavior and under the topic of consumer behavior we will study what is consumer preference mostly we utilize the word the consumer preference when we have to study anything related to consumer behavior and as per our knowledge the consumer preference it tells us that the consumer would rank certain baskets of goods and when he ranks, definitely he will rank one at the upper level and the other basket of the commodities at the lower level. So, the behavior of the consumer to put a basket of the goods or the combination of the goods at one rank as compared to the other rank that will call as consumer preference. And when we say the basket or the bundle, that does not mean. That it should be a particularly practical basket. Here, the word of the basket or the bundle means that it is a combination of the group or a collection of the commodities, and it not only can be the goods, it can be the services also that any individual is going to utilize. So, when we have certain features related to consumer preference, we say that the consumer preferences. They are basically the relationship between the bundles. That if we are going to have two bundles, A and B, what will be the relationship between these two bundles? But if in any other place the consumer is having the bundles of B and C, then what will be the relationship between these two bundles? So, this relationship may vary from one place to the other and preferences have to do with the entire bundle of goods it is not with the individual goods because sometimes a consumer is going to consume not only the single commodity and this is very realistic approach because in daily life consumer is not going to have single commodity and then other commodity mostly we utilize the things in the bundle Uh, सुबह आप लोग क्लास में आते हुए जब नाश्ता करते हैं तो ये एक नहीं होगा कि किसी ने सिर्फ़ ब्रेड लेनी है या उसने सिर्फ़ रोटी लेनी है वो एक पूरा कम्बिनेशन है कि ब्रेड के साथ आपने अंडा लेना है या जैम लेना है या पराठा ले रहे हैं तो दही ले रहे हैं और उसी तरीके से अगर हम पढ़ाई के वक़्त देखें तो ये एक कम्बिनेशन है कि अगर आपने अपनी कॉपी इस्तेमाल करनी है लिखने के लिए तो लिखने के लिए आपको बाल पॉइंट या पेन ज़रूर देखना होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि एक टास्क जो है हमारा वो मोस्टली एक कम्बिनेशन की फॉर्म में आ रहा होता है तो एक बंडल ऑफ गुड्स है जो इस्तेमाल हो रहा होता है और जो कंज्यूमर बंडल को इस्तेमाल कर रहा है उस बंडल में अब इसीलिए जब हम कमोडिटीज़ के ग्रुप की बात करेंगे तो हम उसको एक लिस्ट से शो करेंगे मीन देयर कैन बी अ बंडल जिसमें एक्स वन एक्स टू बंडल मौजूद है एक और दूसरा बंडल है उसका नोटेशन हम बदल रहे हैं और उसका हम कह रहे हैं कि वो वाई वन वाई टू का बंडल है हमारे पास तो हमें अब इसमें क्या होना चाहिए कि अगर प्रेफरेंस शो करनी है तो हमें कहना पड़ेगा कि कंज्यूमर अगर x1 और x2 को सिलेक्ट कर रहा है हालांकि दोनों बंडल अवेलेबल थे तो इसका मतलब है कि जो उसकी सिलेक्शन है वो प्रेफरेंस को एक्सप्रेस कर रही है तो इट मींस कंज्यूमर इज़ गोइंग टू प्रेफर द बंडल ए दैट इज़ हैविंग x1 एंड x2 टू टू द बंडल बी डेट इज़ हैविंग द कमोडिटीज़ कम्बिनेशन ऑफ वाई वन वाई टू और इसी तरीके से अगर हम कहें कि यह दोनों बंडल अवेलेबल हों और कंज्यूमर हमारे बंडल ए के बजाय बंडल बी को सिलेक्ट कर लेता है तो ये सिलेक्शन उसकी प्रेफ्रेंस का इजहार है इसका मतलब है कि उसने वो वाला बंडल जिसमें वाई वन और वाई टू चीज़ें मौजूद थी उसने उसको प्रेफ़र किया है उस बंडल पर जिसमें एक्स वन और एक्स टू मौजूद थे इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर एक बंडल को दूसरे के ऊपर प्रेफर ना करे मींस फोकियत ना दे तरजीह ना दे बल्कि वो उन दोनों के दरमियान अगर हम कहें इन डिफरेंट हो इन बिटवीन हो या हम इस पर कहें कि वो दोनों को इक्वल वेटेज देता हो उसके लिए ए भी उसी तरह अहमियत का हमल हो बी भी, भी. तो डिपेंड करता है कि वो कहता है कि चाहे मुझे ये वाला बंडल मिल जाए तो भी ठीक है चाहे ये वाला अवेलेबल है तो भी ठीक है मुझे इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं लग रहा तो जब वो ऐसी किसी डिस्टिंक्शन या फ़र्क की तखसीस ना करे तो वेन दैट सिचुएशन देन वी कैन से दैट द कंज्यूमर इज़ इन डिफरेंट बिटवीन बंडल ए एंड बंडल बी और बंडल ऑफ़ एक्स वन एक्स टू एंड वाई वन वाई टू अब इन दो प्रेफरेंसेस को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि उन कमोडिटीज़ को उसको कहीं ना कहीं पे रैंक करना होगा और उस रैंक के लिए कुछ नोटेशंस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अब वो नोटेशंस में हम पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय कंज्यूमर थेरी में वो नोटेशनल फॉर्म में अगर हम जाएं तो हमें उस पर देखते हैं कि जो हमारा साइन है जिसमें हम एक्स वन एक्स टू के साथ ये वाला साइन लगाएंगे तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर इज़ इन डिफरेंट बिटवीन दीज टू बंडल्स लेकिन इसी तरीके से अगर हम कहें कि एक्स वन और एक्स टू और उसके लिए हम साइन ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो इट मीनस ये मैथमेटिकली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादा के लिए लेकिन इसी तरीके का एक साइन हमारे पास मौजूद है जो इसी से डिराइवड है जो शो करता है कि प्रेफर्ड है और इसी फॉर्म में अगर मैं वाई वन को इधर रख दूँगी तो इसका मतलब है कि Y1, Y2 वाला बंडल प्रेफर टू एक्स वन एक्स टू का बंडल है लेकिन इन दोनों के जो हमने पहले किया था उसमें यह है कि आइदर देयर इज़ प्रेफरेंस आइदर देयर इज़ इन डिफरेंट अब इसी तरीके की एक हमारे पास तीसरी शक्ल भी मौजूद है जिसमें हम ये कहते हैं कि हो सकता है प्रेफरेंस हो और हो सकता है दोनों इक्वल स्टेट पे हो दोनों में इनडिफ्रेंस हो तो ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं कि द बंडल ए और विद द कमोडिटीज एक्स वन एक्स टू बंडल इज़ प्रेफर्ड और एट द सेम टाइम इज़ इनडिफरेंट विद द बंडल ऑफ बी विद द कमोडिटीज ऑफ वाई वन वाई टू और द बंडल इज़ वीकली प्रेफर्ड टू द बंडल बी दीज रिलेशन्स जिसको अगर हम ग्रुप ए और बी के दरमियान पे कहें तो ये हमारे पास अब स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का है ये वीकली प्रेफरेंस का है और उसके साथ साथ इनडिफरेंट का है और ये बंडल्स में अगर हम अब देखें तो कई दफ़ा हमारे पास इससे ज़्यादा की तादाद में अगर बंडल्स भी अवेलेबल हो सकते हैं तो उसमें नोटेशनल फॉर्म में या राइटअप में जो तरतीब हमारी रखी जाती है ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें तो इस प्रेफरेंस को हम कहेंगे जिस तरीके से हम अपने इंग्लिश के अल्फाज को या उर्दू में हरूफ तहजीब में हम इस्तेमाल करें तो हम अलफ़ बे पे ते की एक तरतीब रखते हैं तो जब हमें पता हो तो हमें पता है कि उस तरतीब में हमारे पास अलफ़ बे से पहले आना है बे पे से पहले आना है उसी तरीके से अगर हम तरतीब में एक बंडल को पहले लिखें और दूसरे को उसके बाद लिखें तो ऑटोमेटिकली मीनिंग इसका ये होगा कि वो बंडल जिसको हमने पहले लिखा है और हमने उसके लिए कोई नोटेशन इस्तेमाल नहीं की तो इट मीनस दैट बंडल इज़ प्रेफर्ड टू दैट बंडल जिसका नाम इसके बाद हम लिख रहे हैं और अगर हम इसी फॉर्म में लिख रहे हों कि ये दो बंडल्स ऐसे हैं हमारे पास कि वो आपस में इनडिफरेंट हैं तो हम इन डिफ़रेंट का साइन देंगे और अगर हम कहें कि उसमें इनडिफरेंट भी नहीं है तो इन डिफ़रेंट ना होने का मतलब है वहाँ पे अब प्रेफरेंस होना मस्ट है तो ये कुछ चीज़ों की नोटेशनल फॉर्म हमारे पास होगी और कुछ में हमारे पास अगर नोटेशन नहीं है तो हमें उसकी तरतीब के साथ अंडरस्टैंड करना होगा कि ये प्रेफरेंस को शो कर रही है